इट इज 5:30 और हम जा रहे हैं यहाँ पर मछली पकड़ने से। तो निशान डालेंगे, ये हमने लगाया निशाना। तेज, मैं तेज जलती हूँ। इन्होंने कहा मैं तेज चलती। स्टूडेंट सुजुकम्यून टीचर। Hello everyone, so welcome to Mastani Musafir Travel Express. I'm Kalika Anand and welcome back to the brand new video from Kashmir. और आज हम करेंगे कुछ ऑफ बीट चीजें। जी हाँ, आज मैं स्टे की हूँ इस एरिया में एंड दिस एरिया इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वुलर लेक। वुलर लेक में नहीं रुकी हूँ, लेकिन वुलर लेक के पास ये जो आपको नज़ारे दिख रहे हैं ना, मैं इधर गाँव वाला एरिया में रुकी हुई हूँ। बहुत मजे का एक्सपीरियंस मुझे मिला है और वो मैंने आपको दिखाया है। सो देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप पूरे वीडियो को देखना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिखाया फिशिंग कैसे करते हैं, सुबह मछली पकड़ने कैसे जाते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके फैमिली के साथ रहना। यहाँ पर आई हैड स्टेड इन अ होम स्टे, उन्होंने कितना प्यार दिया, कितना अच्छा लगा, मैंने सब कुछ बताया है। ऐसे ये मछली जो ठेकेदार हैं, लोग हैं, उनको बेचते हैं, फिर वो कैसे मार्केट में बेचते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारा सा सनराइज मैंने आपको दिखाया है और बस गांव वाली। सो देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस एंटायर वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बुरा लगे तो कमेंट में बताना कि क्या बुरा लगा, सो दैट आई कैन ब्रिंग बेटर कंटेंट फॉर यू। और बस चलो चलते हैं घूमने के लिए। जहाँ मैं रुकी हुई थी ना, ये लोग सोच रहे थे कि मैं सुबह उठ पाऊँगी नहीं उठ पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मैं भी जाऊँ मछली पकड़ने के लिए। सो इट इज़ 5:30 और हम जा रहे हैं यहाँ पर मछली पकड़ने। सो आई विल ट्राई टू शो यू माय एक्सपीरियंस, क्योंकि फिशिंग तो नॉर्मल करते हैं वो शौकिया, लेकिन सुबह सुबह जो मछली पकड़ने जाते हैं, जो बेचते हैं मार्केट में, उनके साथ उस नाव पर मछली पकड़ने का जाने का एक्सपीरियंस विल बी वेरी डिफरेंट। तो बस चलते हैं। ये देखो, ये हमारा सफ़र। इतनी बार बोटिंग के लिए गई हुई हूँ कहीं पर भी, लेकिन एक ऐसे फैमिली में रुकना जहाँ पर जो जो इनका काम है ना, आप लोगों क्या बोलते हैं, हाँ, माहीगिरी, यहाँ के टर्म्स में इट इज़ कॉल्ड माहीगिरी। और जितने भी यहाँ जो मछली जो पकड़ने वाले जो होते हैं ना, वो सब ऐसे देख रही कि ये कौन बंदी होगी, ये सुबह सुबह कैमरा लेकर इस तरीके से जा रही है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं जाऊंगी। अब मैं यहाँ हिल सकती हूँ, बैठो इस पर। करो या फिर कुछ नया चीज है ना, सो देयर यू गेट टू नो समथिंग न्यू। जैसे अभी वो जो नाव वाले थे ना जो अपने साथ, उन्होंने क्या किया, वो उनके पास मोटर था, यहाँ पर उन्होंने मोटर लगाया और नाव को ऐसे ही लगा दिए थे साथ में। नाव को थोड़ा सा भी अगर आप पास करोगे ना, तो ये उसके साथ फ्लो में जाएगा। अभी हम आगे अपने इलाका में जहाँ पर हमें मछली पकड़नी है और वो फिर आगे की ओर चले गए। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पर भी इस तरीके से। सवेरे जाता है फिशिंग के लिए मॉर्निंग टाइम पे, कुछ लोग जाता है 6 बजे, कुछ लोग 5:30 बजे जाता है। तो इसको बोलता है दान होता है ना, जो हम कश्मीर में उसको दानी बोलता है। तो दान जिसको बोलता है, हम यही डालता है पानी में। जैसे आप अभी देखेंगे, हम पानी में दान डालेंगे, के लिए एक निशान डालेंगे, ये हमने लगाया निशाना। तो उसके बाद इसको हम दान डालेंगे, दान जैसे डालेंगे इसको, तो 1 घंटा थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर हम आ जाएंगे। तो फिर इसको इसके ऊपर जाल फेंकना पड़ेगा, फिर इसे मछली मिलता है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा छोटा मछली भी बैठता है, हम उसको वापस फेंकते हैं। ज़्यादा मछली छोटा है उनको हम वापस फेंकते हैं, जो बड़ी बड़ी मछली है उनको पकड़ना है। यह हमारा इसका सीज़न होता है, इसका यह हो जाता है मई से शुरू नवम्बर तक, ये खत्म बार तक ये इसका सीज़न होता है। फिर ऑफ सीज़न होता है, फिर दूसरे जिसको कम्युनिटी फिशिंग बोलता है,
तो ये हमारा रोज का काम है जो फिशरमैन है इधर रहने वाले, तो ये सारी ही फिशिंग करते हैं अपने जो रोजगार इसी से कमाता है। जो अभी बता रहे थे ना, ये भाई और ये भाई, ये दोनों अपने भाई है। और इनके नाव पर क्या है मैं दिखाती हूँ। इनके नाव पर है यहाँ पर ये जाल है, जो जाल ये बिछाएंगे और उसमें उन्होंने भूसा, वो दाना, वो धान रखा हुआ है बोरी में। यहाँ पर ये रखा हुआ है बॉटल, और बॉटल में ईटा, और एक ये होता है तराजू। तराजू निशाना लगाया, अभी हम उसको जाल डालने वाला है, पता नहीं मछली आया होगा या नहीं है। अभी हम कोशिश करेंगे उसकी तरफ जाएंगे, वो उधर हमारा पहला निशाना। अभी तकरीबन 20 मिनट हो गया हमने उसको डान डाल दिया, अभी हम चेक करेंगे जाल लगाएंगे। ये मछली पकड़ गए, सिरा सुलाना। यहाँ पर मेरे साथ है हुसैन भाई, आप मुझे बताएं कि थोड़ा थोड़ा करके हमने कितनी सारी मछली पकड़ी होगी। हमने पकड़ी होगी अभी 10-12 किलो, 10-12 किलो, 10-12 किलो हमने पकड़ी है। और फिर ये मछली क्या करेंगे, मतलब आप बेचेंगे इसको? अभी आ जाएंगे ना ठेकेदार, सोपोर से आता ठेकेदार, कई जगह से आता ठेकेदार, फिर हम ठेकेदार को देता है तो वो दूसरे बंदे को देता है, फिर वो फरोख्त कर रहे हैं मार्केट में। मार्केट आपके यहाँ जो होम स्टे है, आप लोगों को ऐसे फिशिंग ले जाते हैं? जाने के लिए तो हम ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मान जिसको कह रहे, जिसको मर्जी है वो जा सकता है, जिसको मर्जी नहीं है वो नहीं जा सकता है, कोई शुक्र। इनका नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जब भी कश्मीर आते हैं, एंड इफ़ यू आर वेरी मच फॉर नॉन टूरिस्टी स्टफ, थोड़ा गाँव वाला लाइफ, इनके घर भी मैं दिखाऊंगी, लोगों में इतना प्यार है कि मैं क्या बताऊँ, तो आप यहाँ पर आ सकती हो, यू कैन स्टे देयर। और बहुत ही नॉमिनल सब कुछ आपका रहेगा, चाहे जैसा जो भी होम स्टे का लोकल एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड मोर देन दैट यू विल गेट टू एक्सपीरियंस जो एकदम देसी मीठा फ्रेश मछली वुलर लेक का। मुझे भी बताया, कल भी बताया था, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को बोलते हैं बांग्लादेश। तो हमने जो आज मछली पकड़ी है, हम मछली पकड़े हैं बांग्लादेश से, जिरमस, इसका भी नाम का एक स्टोरी है। यहाँ पर जीरा बहुत अच्छा होता है शायद, है ना, जीरा यहाँ पर जो काला जीरा है वो बहुत अच्छा होता है, जिरमस। हाँ, इस वाला, ये वाला जो पहाड़ है ना यहाँ पर, इसलिए बोलते हैं जिरमस। मैंने तो नहीं पकड़ी, मैं बस वीडियो बना रही थी। के साथ मैं मछली पकड़ने गई थी ना, वो इनके हस्बैंड है और एक इनके देवर है। तो मछली पकड़ने का तो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया, बहुत मज़ा आया, मज़ा किया मतलब दैट वाज वेरी न्यू टू मी। और कल रात में ये मछली खिलाई थी, बहुत टेस्टी था मछली। थैंक यू, ये खाना बहुत मज़े का बनाती है। ये लोग इतने ज़्यादा लविंग है कि आज ये बना रही है कश्मीरी हाक, हाक इज साग। अब ये अच्छे से बनेगा, अब उसको सुखाई जाओ। को पता है मैं जिस होम स्टे में रुकी हूँ, मतलब पिछले एक साल से इन्होंने स्टार्ट किया है अभी, एंड शी इज जस्ट सो क्यूट। सच में हम दोनों इतने मजे कर करके आज बात की, कुकिंग की, और बस मैंने एक बार कह दिया कि आपके यहाँ गाय है तो मुझे दही खाने का बड़ा मन है, क्योंकि आई एम नॉट अ दही पर्सन, लेकिन अगर जहाँ गाय मिल जाए देसी दही ताज़ा, तो बस एक बार जुबान से कुछ निकलता है और ये लोग उसे हाजिर कर देते हैं। ये है वो बंदी, ये और खाना जो इन्होंने बनाया है, और आज मुझे काफी कश्मीरी इन्होंने सिखाया है। थैंक यू सुम्यून। नहीं, मुझे बोला आप मेरी टीचर हो।
सुचुकम्यून टीचर बुछेस मैं आपकी शागिर्द हूँ क्या बोलूं बुछेस चाइन हाँ याद आया बुछेस चाइन स्टूडेंट सुचुकम्यून टीचर ये मेरी टीचर मैं इनकी स्टूडेंट क्योंकि उन्होंने मुझे आज रिश्ता बनाना है यार मैं इतना खाई ना कि दिल खुश हो गया वो पल मैं इंजॉय कर रही थी तो मैं वहां पर वीडियो नहीं बनाई लेकिन रिश्ता भी बहुत मजे का था आप आना जरूर से यार आना आना क्या बोलोगे सबको आना जरूर आऊंगी चिकन खिलाऊंगी सब कुछ अपने पसंद से है कामरान इसका भी इंस्टा पर पेज है ना कामरान भट्ट अच्छा बच्चा है मैं भी की वाइफ मुझे इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं क्या बताऊं तो अभी हम लोग सोचे कि शाम में जा रहे थोड़ा टहलने के लिए क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना है इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया यहाँ पर आपको मिलेगा ये बत्तख भी आपको मिलेगा इनके पास बत्तख के मतलब एकदम गांव वाली वाइफ बत्तख भी गाय भी सुबह मछली पकड़ कर आए अभी चलते बाहर अगर जो भी मुझे नज़ारा मिलेगा हल्का फुल्का तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी तो यहाँ पर ये दादी भी है मेरे साथ ये भी है और आपको मैं बताऊँ ये एरिया अगर आप कश्मीर में आना चाहो तो कहाँ पर बता दूँ ये कौन सा एरिया है दिस प्लेस इज कॉल्ड एज बांग्लादेश बांग्लादेश के नाम से बड़ा मशहूर है उसके पीछे भी बहुत स्टोरी है मतलब गांव का जो नाम है जिसको क्या बोलते हैं वाटलब बांग्लादेश बोलते हैं इसे बता दो सबको कि आपके यहाँ आए ये शर्माती है उसके पीछे भी कहानी है जब वो वॉर हुआ और यहाँ पर पता नहीं अचानक से कोइंसिडेंटली कुछ गांव जले फिर क्या हुआ उसी साल कैसे कैसे नाम पड़ा और ये है वुलर लेक के जस्ट किनारे है ये गांव ये पूरा वुलर लेक है मैं तेज जलती हूँ इन्होंने कहा मैं तेज चलती हूँ क्योंकि अब तेज पका हाँ मुझे तेज पका अच्छा मैं तेज चलती हूँ कुछ कश्मीरी सीखना चाहती हूँ अगर आप कभी कश्मीर आ रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दल लेक अगर आप जाना चाहें तो आई विल सजेस्ट यू वुलर लेक मोर देन मानसबल में हार्डली यू विल फाइंड एनीथिंग तो आप आ सकते हो और कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं श्रीनगर से तकरीबन 2.5 घंटे का डिस्टेंस होगा और मतलब फ्रेश वाटर लेक है एशिया का बहुत बड़ा भी है ये अच्छा है नज़ारा मैं वहाँ से जाकर अगर हो पाए तो मैं दिखाऊँगी ये इस जगह में आई थी मतलब लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना जनवरी के टाइम में मैं कश्मीर लेकिन रास्ता बंद था एंड आई हैड नो आइडिया कि मैं 6-7 महीने के बाद इधर आऊँगी और गांव वाली फीलिंग लूँगी तो ऐसा है अच्छा रहा ये भी ट्रिप मेरा मतलब ठीक है आना अभी जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस दे दिया ये बंदी इसको देखो हाई कर दो ये मेरे टीचर है इसने मुझे काफ़ी कश्मीरी सिखाया कुकिंग भी किया तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छा खासा एक आइडिया दे दिया है कि अगर आप भी ऐसे कुछ ऑफ भी चीज़ें कश्मीर में आकर एक्सप्लोर करना चाहो फिशरमैन की फैमिली के साथ मछली कैसे पकड़ते इनकी लाइफ क्या होती है तो आप यहाँ पर आ सकते हो और बहुत अच्छा लगा आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ आइडिया आया हो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना अगर बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बुरा लगा सो दैट आई कैन ब्रिंग बेटर गाइन फॉर यू इसी के साथ मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में धूप बहुत तेज़ हो रही है इस बार कश्मीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है बस चलती हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप अपना ख्याल रखें कश्मीर आ जाओ और आप ऐसे एक्सपीरियंस ले सकते हो जगह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है श्रीनगर से आपको हार्डली 2.5 घंटे लगेंगे बांडीपोरा तरफ आने में दिस इज समवेयर बिटवीन बांडीपोरा एंड सुपोर जिरमस दिस इज द गांव जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा तो बस लव यू थैंक यू क्योंकि आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा है।